नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइकोटेक इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। और इस टॉपिक जो ये सीरीज हमने स्टार्ट किया है, यूजीसी नेट प्रिपरेशन के लिए हमने किया है। और जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था यूजीसी नेट की तैयारी साइकोलॉजी सब्जेक्ट में कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, और लोगों के जो फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस थे उनको आंसर किया था हमारे एक्सपर्ट ने। और आज के इस वीडियो में हमने नए एक्सपर्ट को इनवाइट किया है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपर्ट गाइडेंस ऑन यूजीसी नेट पेपर 1। सो पेपर 1 पे हमारा जो आज सारा डिस्कशन होगा पेपर 1 से लेकर होगा। और पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में आप हो, यूजीसी नेट की एग्ज़ाम देने जा रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, पेपर 1 सबके लिए सेम होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, तो कॉमन होता है सबके लिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि हम पेपर 1 को अच्छे से तैयारी करें, ताकि पेपर 1 क्लियर होने के बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप पेपर 2 पे जाएं। क्योंकि पेपर 1 अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो पेपर 2 सिर्फ क्लियर करके आपका यूजीसी नेट क्लियर नहीं होगा। तो इसी टॉपिक पे डिस्कशन के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं धी प्रज्ञा द्विवेदी सर। और सर ने और अपना भी यूजीसी नेट क्रैक किया हुआ है, और साथ में वो एमएससी हैं एनवायरमेंटल साइंसेज में, और हमारे साथ आज सर जुड़े हैं। सर आपका स्वागत करते हैं साइकोटेक इंस्टीट्यूट की तरफ से, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और हमारे जो भी व्यूवर्स हैं उनको आज प्रॉपर आप गाइडेंस मिलेगा, क्योंकि 14+ ईयर्स का भी एक्सपीरियंस है सर का पेपर 1 में, जो गाइडेंस देते हैं लोगों को, तैयारी करवाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लियर किया यूजीसी नेट एग्ज़ाम सर के गाइडेंस के बाद। तो स्वागत है सर आपका। नमस्कार और साइकिटेक इंस्टीट्यूट का बहुत बहुत धन्यवाद। सुबोध जी आपका विशेष धन्यवाद कि आपने इस विषय पे बात करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। यूजीसी नेट एक ऐसी परीक्षा है जिसके दो उपयोग हैं अगर हम देखें तो भारत में। एक तो यह है कि अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आपके लिए पीएचडी करना आसान हो जाता है। अगर आप जेआरएफ हैं तो पीएचडी करने के साथ साथ उस समय आपको पीएचडी के दौरान सरकार की तरफ से आपको फेलोशिप भी मिलती है, वजीफा भी मिलता है, वो तो मिलता ही है। साथ ही साथ लेक्चरशिप के लिए यह भारत का सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम। अगर आप किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो प्राइमरी क्वालिफिकेशन है वह यूजीसी नेट। जी तो और सर अभी रिसेंटली कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें लोगों को मैं देखता हूँ कि वो लोग ये कहते हैं कि नहीं, अब नहीं है, ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं जो पीएचडी है उसका ऐसे ही हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए बेहतर ये होगा कि लोग जो हैं स्टूडेंट जो हैं और यूजीसी की जो गाइडलाइन यूजीसी की वेबसाइट पे उपलब्ध है उसे एक बार ध्यान से देख लें। नेट कंपलसरी है, नेट मिनिमम क्वालिफिकेशन है। हाँ, पीएचडी वालों को कुछ छूट मिलती है लेकिन वह अभी कब, जितने भी लोगों ने 2009 के रेगुलेशन के पहले पीएचडी का रजिस्ट्रेशन करा लिया था उनको छूट मिलती है। 2009 के रेगुलेशन के बाद के जितने भी लोग हैं उनके लिए पीएचडी कंपलसरी, उनके लिए नेट कंपलसरी है पीएचडी होने के बाद, तो इसका ध्यान रखिएगा। हाँ, अभी जैसे बिहार में कुछ साल समय पहले जो हायरिंग हुई थी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो उसमें जो पीएचडी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे उनको यूनिवर्सिटीज की तरफ से एक नेट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट इशू होता था, तो वह एक्सेप्शन है, वह इन जनरल कंडीशन नहीं है। बाकी लेक्चरशिप के लिए भी यूजीसी नेट एक कंपलसरी चीज़ है, ये ध्यान में रखना होगा। तो सर इस सेशन के लिए सर हमने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में क्वेश्चन इनवाइट किया कि लोगों के क्या क्वेश्चंस होते हैं पेपर 1 से रिलेटेड, और साथ में जो सोशल मीडिया है प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप मैसेजेस पे, व्हाट्सएप में जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं स्टूडेंट्स का, उस पर क्वेश्चन को इन्वाइट किया। तो ये बहुत हमें खुशी हुई कि लोग बढ़ चढ़ कर सामने आए और उन्होंने अपने क्वेश्चन को पूछा। 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे पास आए, जिसमें से हमने 15 क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया, शॉर्टलिस्ट किया, जो सिमिलर क्वेश्चंस थे उनको कंबाइन किया। तो 15 क्वेश्चंस में ही जो 100 से ज़्यादा लोगों ने क्वेश्चन पूछा है उनको आंसर हो जाएगा। तो सर सबसे पहले जो क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन आया है कई बच्चों का आया है कि जो यूजीसी नेट का सिलेबस होता है पेपर 1 का, और इसी से एक और क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि यूजीसी नेट पेपर 1 का जो पैटर्न है, जो रिसेंट ईयर में कोई चेंजेस हुए हैं क्या, तो सिलेबस और पैटर्न इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि क्या पैटर्न है और सिलेबस में कोई चेंजेस तो नहीं है।
देखिए, पुराने पैटर्न की चर्चा करने का बहुत ज़्यादा भी फायदा नहीं है। जो अभी पैटर्न चल रहा है, जो 2020 ऑनवर्ड्स 2020 ऑनवर्ड्स जो पैटर्न लागू हुआ, हम उसी की चर्चा करेंगे। सिलेबस में ही 2020 ऑनवर्ड्स ही चेंजेस हुए हैं। अभी फिर से एक और सिलेबस कमेटी बनाई गई है जो सिलेबस को रिव्यू कर रही है, तो शायद फ्यूचर में 1 या 2 साल में उसके भी हम नए सिलेबस उसमें भी आ सकता है। लेकिन अभी जो सिलेबस है जिसके अनुसार अभी पिछला एग्जाम हुआ था, और उम्मीद कर रहे हो कि जून का एग्जाम भी उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले एक कंफ्यूजन बच्चों में हम देखिए हमेशा रहता है कि इसमें क्या कोई ऐसा यूनिट है जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्या कोई ऐसा यूनिट है जिससे कम क्वेश्चन आते हैं। तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मेरा जो 14 साल से अधिक का अनुभव है, उस अनुभव के अकॉर्डिंग यूजीसी हो या पहले यूजीसी ने एग्जाम ले लिया, उसके बाद से सीबीएसई बोर्ड ने एग्जाम लिया, शायद बच्चों के बाद पता होगा, और अब एनटीए एग्जाम लेता है, तो सिलेबस जो है हमारा 10 यूनिट में डिवाइडेड है। कितने 10 यूनिट है हमारे पास। टीचिंग एप्टीट्यूड पहला यूनिट है, रिसर्च एप्टीट्यूड दूसरा यूनिट है, तीसरा है कॉम्प्रिहेंशन, चौथा यूनिट है हमारा कम्युनिकेशन, पांचवा यूनिट है हम लोगों के लिए आपको मैथमेटिकल रीजनिंग, छठा यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग, सातवां जो यूनिट है वह है आपको डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन, आठवां यूनिट है आईसीटी यानी कंप्यूटर्स कम्युनिकेशन, और उसके बाद जो नौवा यूनिट आता है वो आता है इन्वायरमेंट, पीपल इन इन्वायरमेंट कहते हैं उसे, और दसवां यूनिट आता है हायर एजुकेशन सिस्टम। तो जो 10 यूनिट में सिलेबस आपका पूरा डिवाइडेड है, हर यूनिट से एग्जैक्टली 5 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और हर एक नंबर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आप निश्चिंत रहें। अभी तक इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, यूजीसी में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। इसमें एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, जब आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे, ओरिजिनल सिलेबस जब आप डाउनलोड करेंगे, तो उसमें स्पेसिफिकली मेंशन है कि हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे जी। तो एनटीए ऐसा कभी नहीं कर सकता कि वह किसी यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन दे दे, किसी यूनिट से कम क्वेश्चन दे दे। होता क्या है कि बहुत से लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, उन्हें सिलेबस की समझ ही नहीं जी, क्वेश्चन किसी और टॉपिक का है, किसी और यूनिट में वह पार्ट दिया हुआ है, और उसको लोग कहते हैं कि वह किसी और पार्ट से है। जैसे कई बार ये कहा जाता है कि टीचिंग और रिसर्च से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, भाई टीचिंग और रिसर्च से कभी भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। अब स्पेसिफिक रूप से क्लासरूम कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का पार्ट है, तो क्लासरूम कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आप टीचिंग में कैसे रखेंगे। जैसे नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं अभी रिसेंटली एक वीडियो किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजा था, तो उसे देख रहा था, उन्होंने कहा कि देखिए कम्युनिकेशन से केवल 4 क्वेश्चन आए हैं, टीचिंग से 7 क्वेश्चन आए हैं। मैंने देखा कि भाई ऑब्वियस है कि भाई बच्चा परेशान था, मैंने क्रॉस चेक किया, तो उन्होंने क्या किया था कि एक क्वेश्चन आईसीटी का जो आईसीटी के सिलेबस में है उसको भी उन्होंने टीचिंग में डाल रखा था, और एक क्वेश्चन जो कम्युनिकेशन का था उसको भी उन्होंने टीचिंग में डाल रखा था। तो यह गलती ना करें, यह मान के चले कि हर एक यूनिट का वेटेज इक्वल है, हर यूनिट से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। इसका कंफ्यूजन कभी ना रखें कि हाँ इससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा, इससे कम क्वेश्चन आएगा, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। पेपर को जब भी एनालाइज करें तो सिलेबस को सामने रख के एनालाइज करें, आपको क्लियर हो जाएगा कि हर यूनिट से बराबर क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। इसीलिए सर एक्सपर्ट लगता है कि इस मामले में बिल्कुल आपने सही कहा, तो हर कोई मतलब वीडियो तो बना रहे हैं, लेकिन हर किसी की एक्सपर्टीज नहीं है, बस वीडियो फॉर द सेक ऑफ मेकिंग वीडियोस, दे आर मेकिंग वीडियोस, तो एक्सपर्ट गाइडेंस बहुत जरूरी है। इसीलिए साइकोटेक इंस्टीट्यूट की ये पहल है कि हर सब्जेक्ट में या जो भी टॉपिक हो उसमें एक्सपर्ट्स की गाइडेंस हो और उनकी राय ली जाए। ये बहुत अच्छा पहल है, और काश ऐसा कुछ पहले होता तो बच्चों को और ज्यादा फायदा होता, बच्चों के मन में कन्फ्यूजन नहीं रहता, जब ये बहुत सारे कन्फ्यूजन है वैसे कन्फ्यूजन उनके मन में नहीं होते। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसमें काफी बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि कुछ लोग तो पहली बार अटेम्प्ट करने जा रहे हैं अभी जून जुलाई एग्जाम, कुछ लोगों ने पहले भी अटेम्प्ट किया बट क्लियर नहीं हुआ, तो उनका यह है कि भाई हम इफेक्टिवली कैसे पेपर वन की तैयारी करें, इफेक्टिव तरीके से कैसे प्रिपरेशन करें। देखिए सबसे पहले तो यह देखिए कि आपने जो एग्जाम दिया या जिन्होंने एग्जाम नहीं भी दिया, उन सबके लिए मेरी एक एडवाइस है, एक बार स्पेशली जिन लोगों ने एग्जाम अब तक नहीं दिया है, एक बार प्रीवियस ईयर पेपर खुद से बिना एग्जाम दिए सॉल्व करके देखिए जी, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आप उसे एनालाइज कीजिए कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चन गलत किए, कौन कौन से क्वेश्चन आपने बिना पढ़ाई के सही किए, और सही किए तो फिर ये सोचिए कि क्या आपको उसके बारे में नॉलेज थी, आपने लॉजिक का यूज किया। अगर आपको नॉलेज थी वेल एंड गुड, अगर आपने लॉजिक का यूज किया तो आपने कैसे यूज किया,
उसके बाद फिर आप यह देखिए कि गलतियां कहाँ हुई हैं, उन गलतियों को रिमूव करने के लिए क्या मैं खुद से कर सकता हूँ या मुझे एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत है, और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को एक फॉर्म दीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई भी एग्जाम हो, कुछ भी आप कर रहे हो, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी का कोई अल्टरनेट नहीं होता, ये ध्यान में रखिएगा। हार्ड वर्क बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। यह जरूरी नहीं कि आपने आज 5 घंटे पढ़ाई की, कल आपने 1 घंटे पढ़ाई की, कभी भी उस तरह से तैयारी पूरी नहीं होगी। एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, एक्सेप्शंस को छोड़ दीजिए। इन जनरल कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर आज आपने 5 घंटे पढ़ाई की, कल आप 1 घंटे पढ़ाई करें, आधे घंटे पढ़ाई करें, या फिर आपने 2 दिन 3 दिन पढ़ाई नहीं की, तो आपको यह लगता है कि आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। नहीं, जो आप आज 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर अगले दिन आपको उसका रिविजन करना जरूरी है। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप कितना भी पढ़ लें, वो चीजें आप भूल जाते हैं। सो हमेशा एक रिविजन का पैटर्न बनाइए अपने, कि रिविजन कैसे करना है। सिलेबस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, यह देखिए कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, आपका वीक पॉइंट कौन सा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करते हैं कि हम किस तरह से बच्चों को टीच करेंगे या किस तरह से हम बच्चों को पढ़ाएंगे। जैसे अब जो बच्चे मेरे क्लास में आते हैं, मेरे ऑनलाइन क्लास में आते हैं, या मैं कहीं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वहां पे आते हैं, तो मेरा उन बच्चों से हमेशा ये कहना होता है कि एक बार पहले प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, फिर एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हर बच्चे का एक सर्टेन प्लान होता है कि आप इस प्लान के अकॉर्डिंग इन इन चीजों के ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत है, आप यहाँ फोकस करो, इन चीजों के ऊपर फोकस ना करो, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि रिजल्ट जो है पेपर वन का हमेशा बहुत अच्छा रहता है। पिछली बार भी कई सारे जीआरएफ अपने यहाँ से आए। जी, ये हमें ये पता चला और बहुत खुशी की बात है कि हर बार हर सेशन में आपके यहाँ से बच्चे निकल रहे हैं और आपके गाइडेंस में बहुत अच्छा कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और आगे भी यही है। आशा करते हैं कि आप साइकोटेक इंस्टीट्यूट के साथ मिलके और भी बच्चों को लाभ पहुँचाएं। तो अभी सर आप बिल्कुल, मेरा प्रयास यही रहता है कि बच्चों को लाभ पहुंचे। जी बताएं। दो चीज़ें अभी आपने जिक्र की, एक तो हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी। तो कुछ जी ये जैसे बिल्कुल, हो ना आजकल है कि हार्ड वर्क कुछ नहीं होता, स्मार्ट वर्क करना होता है। इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, हार्ड वर्क का मतलब क्या? मैं बताया था, स्मार्ट वर्क तो तब होगा जब बेसिक्स आपके पास होंगे, और बेसिक्स के लिए हार्ड वर्क चाहिए। जी आपको लॉजिक अप्लाई करना है, तो लॉजिक भी आप तभी अप्लाई करेंगे ना जब आपको उसके बेसिक्स पता होंगे। एक्चुअली मेन दिक्कत यही है कि जब से ऑनलाइन का पैटर्न आया है, यूट्यूब का पैटर्न आया है, तो वहां पे आपको लिमिटेड चीजें मिलती हैं। जब किताबों से पढ़ते हैं, जब क्लासरूम में पढ़ते हैं, वहां पे आपको जिस तरह से डिटेल में चीजें मिलती हैं, जिस तरह से आप टीचर के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, बात कर पाते हैं, अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाते हैं, वहाँ पे चीजें नहीं है। यूट्यूब का एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कि वहाँ आपके पास टीचर के साथ कम्युनिकेट करने का साधन नहीं है। जी अगर आप कोई प्रॉब्लम अगर आप पूछते भी हैं, तो आप टीचर के साथ टू वे कम्युनिकेशन आपका नहीं होता है। वहाँ पे टीचर बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपके पास ज्यादा ज्यादा ऑप्शन यह है कि आप टीचर को क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं, टीचर उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। अगर टीचर को नहीं पता है तो क्या करेगा, इग्नोर करके आगे बढ़ जाएगा। और वहाँ पे जो मैक्सिमम जो नॉलेज मिलती है वो सुपरफिशियल आती है। तो आपको तो लगता है कि नहीं भाई, स्मार्ट वर्क बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क के चक्कर में, स्मार्ट वर्क वही पर्सन कर पाता है जिसके पास बेसिक्स हैं, जिसने पहले हार्ड वर्क किया है, वही आगे स्मार्ट वर्क कर पाएगा। जी, तो अगर कहने आपको का रूट पता ही नहीं है, तो आप शॉर्टकट कैसे बनाएंगे? बिल्कुल 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 रास्ता तो सही, पता होगा, तभी तो आप शॉर्टकट के रास्ते पे चलेंगे। यही बिल्कुल। तो कहने का चीज, यही मतलब है कि पहले ज्यादा से तलवार ज्यादा। चलाने आना। जी जी मेरा बोलिए। एक छोटा सा ये है कि अगर आपको तलवार चलाने आएगा, पहले तलवार चलाना पकड़ना सीखेंगे, चलाना सीखेंगे, तब तो आप अपनी इच्छा के अनुसार उसे जैसे चाहे यूज कर पाएंगे। बिल्कुल जी, चीजें तो आनी चाहिए, तो ये चीज है। यही है कि ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए पहले, कि अब ऐसा नहीं बिल्कुल कि एक छोटी सी वीडियो देख लिया उसके ऊपर उन्होंने सोचा कि ये हमारा टॉपिक तैयार हो गया। तो एक्सप्लोर ज्यादा से तैयार, ज्यादा ऐसा नहीं करें, होता ज्यादा है। से ज्यादा स्टडी मटेरियल को रेफर करें और उसको स्मार्टली पढ़ें। तो ये हो गया कि हार्ड वर्क आपको हो गया कि ज्यादा ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, और स्मार्ट वर्क हो गया कि कौन से स्टडी मटेरियल से क्या पढ़ना है। तो ये स्मार्ट वर्क बिल्कुल और हार्ड वर्क दोनों का, और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है कि लगातार आपको पढ़ना है, और साथ में एक प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, अपॉर्चुनिस्ट नहीं होना चाहिए, स्ट्रेटेजिस्ट बनिए। बिल्कुल, आपके पास ऑप्शन अगर है, आप सबसे पहले तो अपने स्ट्रेटजी बनाए कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बहुत जरूरी है। प्लानिंग बहुत जरूरी है, और जी प्लानिंग इसलिए नहीं कि आपके इस रूम के बोर्ड दीवार के ऊपर चिपका हुआ, कई लोग बोर्ड पे प्लानिंग लगा देते हैं, बिल्कुल बोर्ड तक रहता है, वह आपके टेबल तक नहीं पहुंचता है।
ऐसा नहीं होना चाहिए, वो टेबल तक पहुंचना चाहिए, जी सबसे बिल्कुल बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी से रिलेटेड है सर कि जैसे अभी हमने बात की कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को एक्सप्लोर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल एक्सप्लोर करें। तो एक कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि कुछ आप बुक्स को रिकमेंडेड करना चाहेंगे पेपर वन के लिए, कुछ बुक्स आपकी तरफ से रिकमेंडेशन जो पेपर वन के लिए अच्छे होते हैं जिसमें सारा देखिए, कवर हो जाए। पेपर वन के लिए बहुत सी गाइड बुक्स मार्केट में हैं, जी ठीक है। कुछ गाइड बुक्स जो हैं बहुत अधिक बिकती हैं। अब किसी एक बुक को रिकमेंड करना जो है, वो दूसरे पब्लिशर, आप कई सारे लोग जो हैं अपने बहुत क्लोज परिचित भी हैं, जी कई सारे ऐसे ऑथर्स हैं जो बहुत क्लोज परिचित हैं, ठीक है। तो किसी एक को रिकमेंड करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है। किसी एक का नाम लूंगा तो दूसरा क्या है कि सर आपने उनका नाम पहले ले लिया, आपने मेरा नाम बाद में ले लिया, ये भी एक समस्या है मेरे साथ बहुत नहीं बड़ी। नहीं उनसे उनसे कोई नहीं, वो तो तो हम कुछ अगर मतलब फॉर एग्जांपल अगर 4-5 बुक्स या आपके पास लिस्ट होगी तो लिस्ट हम ठीक क्या है, है मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देंगे, आपको लोग उसे देखिए रेफर कर लें। गाइड, हाँ गाइड बुक्स की मैं आपको लिस्ट भेज, गाइड बुक्स हैं बहुत सारी हैं मार्केट में, आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो 3-4 अच्छी किताबें, जो सबसे ज़्यादा बिकने, अच्छी कहने से ज़्यादा पहले जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबें हैं, उसमें एक तो पियर्सन का है, ऑक्सफोर्ड का है, दिशा पब्लिकेशन की किताब भी अच्छी किताब है, आप उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके अलावा और ही बहुत सारे पब्लिकेशन हाउसेज हैं जिनकी किताबें मार्केट में ऑलरेडी हैं। कुछ किताबें बहुत काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं, जैसे आरपीएच वगैरह की जो किताबें हैं वो काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं मार्केट में। तो बहुत सारी किताबें, अरिहंत की है, तो बहुत सारी किताबें आपके पास मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी किताब थी पहले, साहित्य भवन की, तो अभी उन्होंने उसको रीएडिट किया है, रिलॉन्च किया है, नहीं कह सकते, बट हाँ ये सब कुछ ऐसी किताबें हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन मेरा एडवाइस ये है कि आप अलग अलग टॉपिक के लिए कुछ बेसिक चीज़ों को फॉलो करें, कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ों को फॉलो करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो। जैसे अगर आपको रिसर्च पढ़ना है, मान लेते हैं अगर रिसर्च एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं, तो रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए आपके पास मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप रीड आउट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर रहेगा कि शायद एशियन एज पब्लिकेशन पब्लिकेशन हाउस है, हाँ एशियन एज एशिया एज ऐसे ही करके हैं, एक तो तो सेज उसकी एक किताब आके पब्लिकेशन कोठारी सर, जी नहीं, सेज पब्लिकेशन, एशियन एज ऐसे ही करे कुछ नाम है, जी जी और डॉक्टर कोठारी सर की बुक है जो रिसर्च मेथोडोलॉजी की अगर मैं कहूँ कि सबसे अच्छी बुक है, या उस बुक का एक खासियत और भी है, अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो, अगर एनटीए के साथ अगर आपका कोई डिस्प्यूट होता है तो वहां पे आप उसी बुक के बेसिस पे चैलेंज कर सकते हैं। अच्छा ये तो तो बहुत आप उसके कुछ एक चैप्टर्स को फॉलो कर सकते हैं, जी जैसे उसका एक चैप्टर है जो उसका इनिशियल चैप्टर है जिसमें सभी टाइप्स ऑफ रिसर्च, स्टेप्स ऑफ रिसर्च का बेसिक बताया गया है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। जी जो लोग जैसे कॉमर्स का कोई बच्चा है या ज्योग्राफी का बच्चा है, या इस तरह के जो बच्चे हैं जहाँ थोड़ा बहुत मैथमेटिकल पोर्शन भी आता है, तो अब देखिए एक बहुत बड़ा चेंज आया है पिछले कुछ सालों में, जो पैटर्न में जो चेंज आया है। अब क्या हो रहा है, पहले क्या होता था, एक बार एग्जाम होता था, सेम डे पे एग्जाम होता था, सभी बच्चों का क्वेश्चन पेपर बिल्कुल एक जैसा होता था, सभी बच्चों के जो क्वेश्चन पेपर मिलते थे एक जैसा कुछ। अब क्या होता है, सब्जेक्ट वाइज पेपर वन डिफरेंट होता जाता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, कोई जैसे कॉमर्स का बच्चा है और एक हिस्ट्री का बच्चा है, तो हो सकता है कॉमर्स के बच्चे को पेपर वन में स्टैट्स का क्वेश्चन डाल दे, ठीक है, जिसका संबंध रिसर्च से है, जिसका इस्तेमाल हम रिसर्च में करते हैं। जैसे आपको हो सकता है कि जेड टेस्ट, टी टेस्ट पे कोई क्वेश्चन आ जाए, उसके बेसिक्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए, या हो सकता है कि मीन मीडियन मोड के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए, या उसके बेसिस के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए, स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंट टाइप के जो स्टेटिस्टिकल टूल हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन यह क्वेश्चन हिस्ट्री के एग्जाम में या इंग्लिश के एग्जाम में आने के चांसेस कम है। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है और आपके सब्जेक्ट में किस चीज़ का इस्तेमाल कितना होगा। जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेक्शन होना चाहिए पढ़ाई में कि जो सब्जेक्ट पढ़ने हाँ के ये आपको ध्यान में ज़्यादा रखना पड़ेगा कि पेपर वन में बिल्कुल रिसर्च वगैरह में ये चीज़ रखनी पड़ेगी। तो जैसे रिसर्च मैंने आपको बताया कि आप कोठारी सर की बुक को फॉलो कर सकते हैं, वैसे ही टीचिंग के लिए अगर आप फॉलो करना चाहें तो आप इग्नू की किताबों को फॉलो कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी किताबें हैं, ठीक है। ऐसे ही कम्युनिकेशन, तो खैर हाँ कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप किसी भी न्यूज़ पेपर, किसी भी बहुत सारी किताबें कॉम्प्रिहेंशन की मार्केट में अवेलेबल, आप कुछ ही फॉलो कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के लिए अगेन आप चाहें तो आप इग्नू को फॉलो कर सकते हैं, इग्नू से आप, या फिर एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है कम्युनिकेशन के लिए, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, एनआईयूएस, जी जी नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन ऑफ स्कूलिंग। तो बेसिक्स के लिए आप उसे फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कम्युनिकेशन के बाद मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग अगर आपका बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर, अगर आपको लगता है कि आपको मैथ्स रीजनिंग नहीं आती है, मैथ्स नहीं आता है, तो
वैसे एक्चुअली क्वेश्चन आते हैं 10th लेवल्स के नीचे क्वेश्चन आते हैं, 10th से ऊपर के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर आपको लगता है आपको नहीं आता है तो सबसे अच्छी किताब आर एस अग्रवाल है बेसिक पढ़ने के लिए। आर एस अग्रवाल का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है सबसे फेमस बुक है, आप आराम से उसे फॉलो कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं आता है। लॉजिकल रीजनिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेट का जो लॉजिकल रीजनिंग है इसके दो पार्ट हैं, यह एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मैं चाहूंगा कि जो बच्चे सुन रहे हैं वो थोड़ा ध्यान से सुने और थोड़ा सा इसको हम आगे भी अगर लगा सके इसके बारे में बच्चों को पहले बता सके तो और बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल। नए सिलेबस में कुछ चेंजेस किए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चेंज यह है कि इंडिया के रेस्पेक्ट में दो चीजें सिलेबस में ऐड की गई हैं। पहला ऐड किया गया है लॉजिकल रीजनिंग में इंडियन लॉजिक ऐड किया गया है। इंडियन लॉजिक के पहले क्या था, 5 के 5 क्वेश्चन जो थे नॉर्मल जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन थे जो बाकी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसी तरह के आते थे, थोड़ा सा फंडामेंटल आता था, इसमें बेसिक आता था। इसमें एप्लीकेशन देखिए एक डिफरेंस ये था कि यूजीसी नेट में और बाकी एग्जाम का बेसिक डिफरेंस ये था कि यहाँ पे फंडामेंटल्स भी पूछे जाते थे, बाकी एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग में फंडामेंटल नहीं पूछे जाते, वहाँ पर सीधे एप्लीकेशन पूछा जाता है। जैसे वहाँ पे सिलोगिज्म में क्वेश्चन आएंगे, दो स्टेटमेंट होगा उसके बेसिस पर आपको एक कंक्लूजन फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ आपसे कॉपुला के बारे में पूछा गया है, यहाँ आपसे टर्म्स के बारे में पूछा गया है। तो कॉपुला क्या होता है यह बाकी एग्जाम में आपके नहीं पूछा जाता है। यहाँ पे आपको कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्राडिक्ट्री, सब कॉन्ट्ररी, अल्टर्न, इनके बारे में भी डेफिनेशन पूछे गए हैं जो बाकी एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। तो यह एक बेसिक डिफरेंस रहा है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब इन्होंने उसमें इंडियन लॉजिक ऐड कर दिया है। इंडियन लॉजिक कहाँ से पढ़े बच्चों को नहीं पता है, तो इंडियन लॉजिक पढ़ने की सबसे अच्छी जगह है 11th क्लास के फिलोसफी की टेक्स्ट बुक। वो भी सब कुछ नहीं पढ़ना है, उसमें से एक दो बहुत स्पेसिफिक चीजें हैं। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन से हर बार दो क्वेश्चन आ रहा है, हर बार दो क्वेश्चन न्याय दर्शन से पूछा जा रहा है। सो न्याय दर्शन को बहुत ध्यान से पढ़िए। न्याय दर्शन इंग्लिश में न्याय फिलोसफी, अच्छा न्याय फिलोसफी, उसका कोई इंग्लिश नहीं है, हिंदी टर्म है। अच्छा न्याय, इंडियन फिलो जो भारतीय दर्शन शास्त्र है वो मतलब जो वेस्टर्न कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग वो 9 पार्ट में डिवाइडेड है। बेसिकली वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक को कह देते हैं वैदिक, एक को कह देते हैं अवैदिक, लेकिन बेसिकली 9 के 9 वैदिक ही है। ठीक है, तो जो दर्शन है हम भारतीय कंसेप्ट के अनुसार 9 के 9 वैदिक है, और जो वेस्टर्न कंसेप्ट है वो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, वैदिक एंड अवैदिक या गैर वैदिक आप कह सकते हैं उस चीज को। इसमें वो क्या करते हैं कि बुद्धिस्ट दर्शन को, जैन दर्शन को, चार्वाक को अलग मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, वास्तव में ऐसा नहीं है, वो सब सब वैदिक ही। तो इसी में न्याय दर्शन आता है, जिसके प्रणेता जो थे गौतम मुनि थे, तो उनके उस दर्शन से हमेशा दो क्वेश्चन आ रहा है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो बाकी लॉजिकल रीजनिंग के बाकी हिस्सों के लिए आप जा सकते हैं आर एस अग्रवाल के पास। डी आई की प्रैक्टिस आर एस अग्रवाल का क्वांट का बुक करेंगे तो वहाँ DI भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। DI के बाद जो अगला पोर्शन हमारे पास आता है ICT, ICT में 5 क्वेश्चन में आपके पास कुछ चीज़ें तो आपके डेली यूज से आती हैं, जैसे कंप्यूटर्स के बारे में बेसिक्स आते हैं, वो तो आप डेली आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर के फंडामेंटल कोई भी बुक देखेंगे आप वहाँ से कर सकते हैं। NCERT की कंप्यूटर की फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर करके बुक आती है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट अवेलेबल हैं, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीज़ें करंट से आती हैं, 1 या 2 क्वेश्चन जो होंगे वो करंट डेवलपमेंट जो है कंप्यूटर के फील्ड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में, वहाँ से आता है, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा। जी इन्वायरमेंट बस 2 मिनट मैं लूंगा आपका। इन्वायरमेंट का कुछ चीज बेसिक से आ ही रही है, जो आ रही है वो करंट से आ रही है, तो आप वहां से उस चीज। और बेसिक्स के लिए आप फिर 12th क्लास की बायोलॉजी फॉलो कर सकते हैं, जिसका ध्यान आपको रखना होगा। इसके बाद से हायर एजुकेशन सिस्टम, पहले के क्वेश्चन में और अब के क्वेश्चन में डिफरेंस है। पहले क्या था कि आपसे पॉलिटी के क्वेश्चन आते थे, और आज भी बहुत सारी वेबसाइट पे कहा जा रहा है कि पॉलिटी के क्वेश्चन आते नहीं आते, क्योंकि सिलेबस में पॉलिटी है ही नहीं, तो जो चीज़ सिलेबस में नहीं उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ पे सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन है हायर एजुकेशन सिस्टम का पॉलिसी, पॉलिटी नहीं है वो, क्या है हायर एजुकेशन सिस्टम की पॉलिसी जो इंडिया, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जोड़ा गया है एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम, उससे हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन आ रहा है, ये ध्यान में रखिए। और अगेन उसको पढ़ने के लिए आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, और जो NIOS है, जो दूरस्थ शिक्षा केंद्र हैं अलग अलग जगहों के,
उनकी बुकलेट्स हैं जहाँ से आप उसको रीड आउट कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। उसमें वैदिक एजुकेशन क्या था, उसके फंडामेंटल्स आपको पढ़ने हैं कि गुरुकुल सिस्टम क्या था, गुरुकुल किसे कहते हैं, बाकी सभा सोसाइटी ये सब चीज़ें किसे कहते हैं। फिर आपको बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम क्या है वह पढ़ना है, इस्लामिक एजुकेशन क्या है वह पढ़ना है, और उसमें क्वेश्चन किस तरह का है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि भारत में जो प्राचीन काल में शिक्षा का विकास हुआ था, उस प्राचीन काल में शिक्षा के पतन, प्राचीन काल के बाद भारतीय शिक्षा के पतन के कारण क्या क्या रहे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में था कि इस्लाम का प्रभाव और बाकी सारे ऑप्शंस भी थे, तो आपको बहुत स्पेसिफिक होकर सोचना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या होगा। आप तभी कर सकते हैं जब आप फंडामेंटल्स जानते हैं, इसका कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। बिल्कुल, इन सब चीजों का कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। जी, भारत और जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, तो इंडिया में मॉडर्न हायर एजुकेशन सिस्टम कैसे स्टार्ट होता है, तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, कब से स्टार्ट होता है। जैसे भारत का सबसे पहला कॉलेज कोट्टायम में है, केरल में। तो आपको इस सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कोट्टायम नहीं, दूसरा अभी, बट केरल में है, भारत का सबसे पहला मॉडर्न कॉलेज केरल में है, और सबसे पहली यूनिवर्सिटी कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, पढ़ाया यही जाता है। लेकिन एक बहुत मजेदार चीज़ है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पहले बंगाल में एक और यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थी जिसका जिक्र कहीं नहीं होता है, ठीक है, बिबलिकल यूनिवर्सिटी। तो डेनमार्क के राजा ने उसके लिए पैसा दिया था और अंग्रेजों ने उसे स्थापित किया था, और उससे पढ़े हुए बच्चे जो हैं पूरे अब नॉर्थ इंडिया में, कौन पूछे, पूरे इंडिया की बात कौन करे, इंडोनेशिया तक ज़्यादातर जो पादरी बनते हैं वो उसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बच्चे होते हैं। और यह चीज़ जो है, इसको लेके अभी मुद्दा चल रहा है कि क्या जो यूनिवर्सिटी का उसे टैग दिया हुआ है, क्या उसे कंटिन्यू रखा जाए या क्या किया जाए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि हो सकता है फ्यूचर में उसे भी यूनिवर्सिटीज के लिस्ट में शामिल किया जाए, हटाया जाए, देखते हैं क्या। पूरा यूनिवर्सिटी का पूरा नाम क्या है सर, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, बिब्लिकल यूनिवर्सिटी करके है वो, बिब्लिकल। तो हाँ, वो मेनली जो है वो धार्मिक पढ़ाई के लिए है। अच्छा, वो धार्मिक, तो जितने भी आपको बिशप और इस तरह के लोगों का जो चयन होता है ना, वो वहीं से पढ़ के, मतलब काफी सारे लोग वहां से पढ़ के निकलते हैं। तो वो यूनिवर्सिटी भारत में सबसे पहले स्थापित हुई, जिसके बारे में मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है। जी, तो नहीं जानता। वैसे ही गर्ल्स कॉलेज के, हाँ, गर्ल्स स्कूल की मैं बात करूँ, तो देश का सबसे पहला गर्ल्स स्कूल कलकत्ता में एस्टेब्लिश हुआ था आधुनिक जमाने का, ठीक है, जो आज एक कॉलेज के फॉर्म में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये सब चीजें हैं जिन पे आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा। तो अब गांधी जी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे लिए। अच्छा जी, बताएं। बिल्कुल, हम बिल्कुल, गांधी जी का जो वर्धा एजुकेशन प्लान है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए बच्चों को, ठीक है। तो अब इसमें सर वास्ट सिलेबस जो है 10 सेक्शन सिर्फ पेपर 1 के लिए, और स्टूडेंट्स को जो है वो, हाँ, पेपर 2 भी पढ़ना है जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि कुछ टिप्स आप बताएं जो एग्जाम के दौरान टाइम मैनेजमेंट के लिए। देखिए, एग्जाम के दौरान टाइम मैनेजमेंट के लिए हमेशा से मेरा ये मानना है कि आप सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, पहली बात। दूसरी चीज कि जो टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है, जो आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है, उसे आप लास्ट के लिए रखिए। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका पैसेज का पोर्शन है, पहले और अब में क्या डिफरेंस आया बता देता हूँ। पहले पैसेज बड़े होते थे, लेकिन सारे क्वेश्चन पैसेज के साथ लगे थे, ठीक है। तो आपने एक बार एक क्वेश्चन पढ़ा, पैसेज पढ़ा, बाकी सारे क्वेश्चन करना आपके लिए आसान हो जाता है। अब क्या है, एक पैसेज आता है, उसके नीचे उसका क्वेश्चन होता है, फिर एक पैसेज आएगा, हो सकता है वही पैसेज उसके नीचे उसका क्वेश्चन है, लेकिन वो लगातार कॉन्टिन्यूटी में नहीं रहता। तो आप देख सकते हैं कि पैसेज में आपको कितना टाइम लग रहा है। हो सकता है कि जितने देर में आप पैसेज क्या एक क्वेश्चन करेंगे, उतने देर में हो सकता है कि आप टीचिंग रिसर्च या कम्युनिकेशन या इन्वायरमेंट के 3 या 4 क्वेश्चन कर रहे हैं। बिल्कुल, तो थ्योरेटिकल पोर्शन जो है उसको आप पहले करने की कोशिश कीजिए। और जो DI है, अक्सर होता क्या है, बच्चे सोचते हैं कि DI वगैरह, DI जो है या मैथमेटिकल पोर्शन पहले करते हैं, तो हम इसको पूरा करके तब हम बाकी सारे पोर्शन भी जाएंगे। मेरा ये मानना है कि नहीं, पहले बाकी सारा पोर्शन कीजिए, ठीक है। उनको अगर अगर मैं देखूँ तो DI, पैसेज और मैथमेटिकल पोर्शन, यह 3 पोर्शन मिला के 15 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी सारा सिलेबस का 35 क्वेश्चन जो नॉन मैथमेटिकल है, जो आपका बहुत कम टाइम लेता है जी, ठीक है। तो मतलब इसका जो है आपको कितने मार्क्स आने हैं, 15 क्वेश्चन यानी 30 नंबर,
30 नंबर के लिए अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि वो अपना 70% टाइम डिवोट कर देते हैं, 80% टाइम डिवोट कर देते हैं जी। ठीक है, 15 क्वेश्चन 30 नंबर के लिए बच्चे क्या करेंगे, अपना 70% 80% टाइम डिवोट कर देते हैं, कहते हैं नहीं इसको पहले करना है या डिफिकल्ट होता है। मतलब अरे भाई डिफिकल्ट है तो पहले क्यों कर रहे हो, 30% क्वेश्चन के लिए 70% टाइम दे देते हैं और 70% क्वेश्चन के लिए 30% टाइम, यही हुआ, टाइम बचता नहीं है और लास्ट में अक्सर क्या कहते हैं, अरे मुझे आता था मेरा नहीं हुआ, नहीं हुआ, तुमने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया भाई। सबसे बड़ी समस्या क्या हुई, आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, अपने टाइम को अपने सेटिंग से मैनेज नहीं किया, आपने अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शन के ऊपर फोकस नहीं किया, आपका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है आपने उसको फॉलो नहीं किया, आपने अपनी ताकत को फॉलो नहीं किया, आपने अपनी कमजोरी को फॉलो किया। तो आप यह देखिए कि आपकी ताकत कहाँ है, वहां से स्टार्ट कीजिए, देखिए आप आराम से टाइम को मैनेज कर पाएंगे। और इन 15 क्वेश्चन को आखिर के लिए रखिए हमेशा, जो भी नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड का बच्चा है और नॉन लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड का बच्चा है उसको मैं यही राय दूंगा कि ये 15 क्वेश्चन जो है आखिर के लिए रखिए, बाकी 35 को देखिए होगा क्या। इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आपका टारगेट है कि मुझे 45 मिनट टाइम में 35 क्वेश्चन करने हैं सपोज, ठीक है, अब वो क्वेश्चन को रीड आउट करना है, आता है टिक मार्क या नहीं आता है आगे बढ़े उस पर फोकस ठीक है, तो 35 क्वेश्चन आपके पास, हो सकता है कि उसमें से आपको 20 या 25 क्वेश्चन आते, मान लेते उसमें से आपके पास 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो 35 में से तो 20 आपने पहले कर लिए, अब बाकी बचे 15 में से मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन किए तो आपके कुल क्वेश्चन कितने हो गए, 30 क्वेश्चन हो गए, 15 में से 10 क्वेश्चन आपने किए कुल कितने क्वेश्चन हो गए आपके पास, 30 क्वेश्चन हो गए। आपने फिर दोबारा फोकस किया पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर, फिर आपने दोबारा किसके ऊपर फोकस किया, पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर, तो आपको 40+ क्वेश्चन करने का ऑप्शन रहेगा। और ऐसे क्या होते जब आप इस 15 क्वेश्चन के ऊपर यानी 15 क्वेश्चन के ऊपर जब आपने 70% समय लगा देते हैं, क्योंकि हर किसी क्वेश्चन को मैथमेटिकल क्वेश्चन आप करने जाते हैं आपको नहीं पता है कितना टाइम लगेगा, और जहां एक क्वेश्चन फंसता है उसके बाद क्वेश्चन अपने आप आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि आपका आधा ध्यान कहाँ रहेगा, अरे वो क्वेश्चन नहीं हुआ यार छूट गया, उसको दोबारा करते हैं, तो टाइम मैनेज टाइम की प्रॉब्लम वहां क्रिएट होगी, लास्ट तक जाते जाते क्या होगा आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा कि आप क्वेश्चंस कर पाए। तो और इतना ही नहीं, अगर जल्दबाजी में करोगे तो हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपको आता है उसको भी आप गलत करके आ जाए, तो यह होता है। बिल्कुल, तो सर इसमें जो आप बता रहे हैं सिलेबस एक एक सेक्शन के बारे में बता रहे हो, 10 पार्ट्स होते हैं पेपर वन में, 10 पार्ट्स में, तो एक एक पार्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है और टाइम को मैनेज करना है। इसी में सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस या करंट अफेयर पेपर वन में कितने इंपॉर्टेंट होता है। देखिए करंट अफेयर से जहाँ क्वेश्चन आते हैं मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कहाँ कहाँ क्वेश्चन आते हैं पहला, और कहाँ से पढ़ना है, केवल कहाँ से क्वेश्चन आते नहीं कहाँ से पढ़ना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चन आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है यूनिट 9 पीपल एंड एनवायरनमेंट, पर्यावरण का जो क्षेत्र है वहाँ पे करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको कई तरह के जैसे MDG SDG के ऊपर क्वेश्चन आता है, इसके अलावा जो भी आपका MNRE के टारगेट्स हैं कि सौर ऊर्जा का टारगेट क्या है, जल ऊर्जा का टारगेट क्या है, आपको वायु ऊर्जा का टारगेट क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जल ऊर्जा मतलब जो पारंपरिक जल ऊर्जा है वह नहीं, जो बड़े बांध हैं उन नहीं, जो छोटे बांध हैं उनसे कुल कितना ऊर्जा उत्पादित करने का प्लान है, ऐसे ही जो वायु ऊर्जा है, जो बायोमास ऊर्जा है, जैसे अभी आप देख रहे हैं पंजाब में जो पराली का से बिजली उत्पादन करने की जो बात चल रही है, तो इन सब चीज़ों को लेकर कई बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एयर पोल्यूशन पर हमेशा एक क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एयर पोल्यूशन पर एक क्वेश्चन रहता ही है, तो ये सब चीज़ों पर क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारे पास आपको MNRE की वेबसाइट, जल शक्ति मंत्रालय की वेबसाइट, वहाँ से आप फॉलो कीजिए, ठीक है, बहुत है उतना। दूसरा जो सेक्शन आता है जहाँ पे करंट के क्वेश्चन आने का चांस होता है वो होता है आपको यूनिट 8, 8वां यूनिट ICT। ICT पे जो 5 क्वेश्चन आने हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को, उसमें नॉर्मली 3 क्वेश्चन स्टैटिक होते हैं। स्टैटिक का मतलब है कि जो हमेशा से जो बेसिक्स हैं उसके फंडामेंटल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बाकी जो 2 क्वेश्चन आते हैं वो करंट के आते ही आते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन वहाँ से करंट के आएंगे। करंट में जैसे वेब 2.0 क्या है जो पहले क्वेश्चन आए हुए हैं, कोई भी नया डेवलपमेंट है, क्लाउड
जो कंप्यूटिंग है उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, तो जो करंट में जो इश्यूज चल रहे हैं आप उसको फॉलो अप कर सकते जैसे हैं। मेटा क्या है, मेटावर्स क्या है, तो हाँ, मेटावर्स क्या है, सबके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस है फर्स्ट टाइम। ठीक है, मेटा टर्म को लेके, अच्छा मेटा टर्म को लेके हायर एजुकेशन में भी क्वेश्चन आया हुआ है, मेटा यूनिवर्सिटी क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। हायर जो एजुकेशन है, अगर कोई भी नई पॉलिसी चेंज होती है, एनईपी है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। नई रैंकिंग अगर लागू जारी होती है यूनिवर्सिटीज की, ठीक है, जो भारत में हर साल जारी होती है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो सब कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन का संबंध करंट अफेयर से होता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत पुराने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे एक बार हीर राजा नहीं, कौन सी फिल्म थी, शाहरुख खान और जिसमें शाहरुख खान पाकिस्तान के जेल में होते हैं, वीर जारा, फाइटर वीर जारा वीर जारा जी। तो वीर जारा के ऊपर एक बार कॉम्प्रिहेंशन में 5 क्वेश्चन आए थे जी। ठीक है, तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, न्यूज़पेपर से ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है, कौन सा न्यूज़पेपर सबसे पुराना न्यूज़पेपर कौन सा है, कौन सा कब स्टार्ट हुआ था। स्पेशली वैसे न्यूज़पेपर जिनका संबंध आपको फ्रीडम स्ट्रगल से रहा है, उनके ऊपर क्वेश्चन आने का चांस बहुत होता है। आज़ादी के पहले के जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आने का, जैसे एक क्वेश्चन सच्चिदानंद सिन्हा जी ने जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, सर सिन्हा जी को मैक्सिमम बच्चे नहीं जानते हैं, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष सिन्हा जी ही थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और संविधान पर सबसे पहला हस्ताक्षर भी उन्हीं का है। इसके लिए संविधान को पटना ले जाया गया था ताकि उनका हस्ताक्षर लिया जा सके, उसके बाद बाकी लोगों ने साइन किया है और संविधान हमारा एक्सेप्ट हुआ। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो उन्होंने भी 1920 में, 20 के दशक में एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, सर्च लाइट, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर आया हुआ है। ऐसे ही एशिया के साथ का जो सबसे पुराना अभी भी पब्लिश होने वाला न्यूज़पेपर है, गुजरात बॉम्बे समाचार, जो गुजराती लैंग्वेज का है, उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ। भारत का पहला साप्ताहिक दैनिक साप्ताहिक अखबार कौन सा था, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए। थोड़ा सा इन सब के ऊपर भी, पीआईबी के ऊपर, ये सब बेसिक चीजें हैं जिनके ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे टिप्स दे रहे हैं आप, और मतलब मुझे आशा है कि जो लोग देख रहे हैं वीडियो को, जो लोग आगे फ्यूचर में देखेंगे, वो बहुत इजीली पेपर वन को क्लियर कर जाएंगे। और इसी तो मैं भी यही करता हूँ जी, बिल्कुल करेंगे। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे आपने करंट अफेयर का हमने इसमें जिक्र किया, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा, जो नेक्स्ट सेक्शन होता है पेपर वन में, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, तो उसमें किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि इसेंशियल्स टॉपिक कौन से है जिस पर फोकस किया जाए टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड में। देखिए, रिसर्च में आपको सिलेबस बिल्कुल डिफाइंड है, टीचिंग का सिलेबस डिफाइंड है जी। ठीक है, उसके लिए बहुत ज्यादा आपको हॉशपॉश, बहुत ज्यादा अपने दिमाग को इधर उधर लेके जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे लाइन बाय लाइन एक एक चीज लिखी हुई है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो जितनी चीज सिलेबस में है पहले आप उतना तो पढ़ लो। हाँ, उसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर आप थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस कर सकते हो। जैसे टीचिंग की बात आती है तो टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड, हायर एजुकेशन में जो टीचिंग मेथड्स यूज होते हैं, आप उनके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हमेशा आपके पास असेसमेंट से आता है, तो असेसमेंट के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको अगर हम कहें टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, जिसे पहले हम लोग टीचिंग एड कहते थे, अब टीचिंग सपोर्ट सिस्टम कहते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन आने का चांस होता है। तो ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ से क्वेश्चन आने का चांस होता है। उसके बाद से स्वयं प्रभा जी, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, फिर दोबारा फिर से पूछ सकते हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर फोकस कीजिए और टीचिंग के बेसिक्स के ऊपर। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, टीचिंग को लेके एक लाइन में हमेशा कहता हूँ कि टीचिंग का मेन एम क्या है, यह ध्यान में रख के अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आप आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। सो द मेन एम ऑफ टीचिंग इज टू ब्रिंग अबाउट सोशली डिजायरेबल बिहेवियरल चेंजेस, सोसाइटी की आवश्यकता के अनुरूप बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन टीचिंग का मेन काम है। टीचिंग तो टीचर का काम आपको नॉलेज देना नहीं है। तो जब तक आप ये सोच के चलेंगे टीचर का काम नॉलेज देना है, इंफॉर्मेशन देना है, तब तक टीचिंग के आपके क्वेश्चन गलत होते रहेंगे, ध्यान में रखिए। अक्सर बच्चे इस चीज को, अब भारत में खैर इसकी चर्चा ही नहीं होती है कि टीचिंग का मेन काम, टीचर का मेन काम क्या है, टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव आपको नॉलेज देना नहीं है, आपके व्यवहार का परिवर्तन है। ठीक है, क्योंकि आपका व्यवहार परिवर्तित करना टीचर का काम है। उसमें उसके सारे सब पार्ट्स हैं कि आपको इंफॉर्मेशन भी दी जाए, आपके हेल्थ को ठीक किया जाए, इसके लिए आपको पीटी कराया जाए, गेम खिलाया जाए, जो कुछ भी होना है।
आपका आपके व्यवहार को मॉडिफाई करना उसका मेन काम होता है टीचर का, और टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है। ये अलग बात है कि भारत में ऐसा होता नहीं है, इसकी चर्चा फिर कभी। जी जी बिल्कुल। रिसर्च के लिए अगर मैं कहूँ तो टाइप्स ऑफ रिसर्च, स्टेप्स ऑफ रिसर्च। अच्छा, स्टेप्स ऑफ रिसर्च को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च अलग होता है, सोशल रिसर्च अलग होता है, तो इन सब के स्टेप्स ऑफ रिसर्च के ऊपर आपको फोकस करना है। जो सोशल रिसर्च है उसका जो स्टेप्स ऑफ रिसर्च है, मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आपको ढाई सर की बुक को फॉलो कीजिए, उससे बेहतर बुक नहीं है। कौन कौन से बुक? ठीक है, अगर आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी, मैंने आपको पहले ही कहा था, हाँ, वीडियो के प्रारंभ में ही मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी की बुक की बात की थी, कोठारी सर की बुक की बात की थी, उसे फॉलो कीजिए, रिसर्च के लिए उससे बेहतर बुक नहीं। अगर आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं, फिर आप कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, तो आप मैग्रो हिल की कुछ किताबें हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं रिसर्च को लेकर। ठीक है, इसके अलावा शॉम सीरीज में आप शॉम सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे जो स्टैट्स का पोर्शन है आप उसे फॉलो कर सकते हैं, स्टैट्स की बुक आती है शॉम सीरीज की, आप उसे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी आप रिसर्च के कुछ पोर्शन को कवर अप कर सकते हैं। कुछ ऐसी किताबें जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशनल रिसर्च के लिए पियर्सन की एक बहुत अच्छी किताब है एजुकेशनल रिसर्च को लेके, नाम मंगल, मंगल एंड मंगल, मंगल, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी की बुक है बेसिकली, हो तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं, वो टीचिंग में भी काम आएगा, रिसर्च में भी काम आता है। जी जी, लास्ट वीडियो जो हमने किया, जो उन्होंने भी ये सजेस्ट किए हैं, कुछ बुक्स जो आप बता रहे हैं, उन्होंने भी बहुत सारे बुक्स सिमिलर सजेस्ट किए हैं, क्योंकि बेस्ट जो स्टूडेंट प्रिफर करते हैं और उनको आसानी होती है तैयारी करने में। तो सर जी, अगर बुक्स की बात करें सर, इससे अलावा एक क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूछा है, 15-20 स्टूडेंट ने पूछा है कि बुक्स के अलावा हम ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं क्या? बहुत सारे वेबसाइट्स हैं और भी ऑनलाइन रिसोर्सेज जो हैं, जैसे वीडियोज़ हैं, तो उनको, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, कुछ भी आप कुछ भी ऑप्ट कीजिए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, आपका पढ़ने का तरीका क्या है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब अगर आप ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं तो यहाँ आपका स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी होगा, यही आके स्मार्ट वर्क आता है। ऑनलाइन में आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आपके काम की क्या है, आप कैसे गेस करेंगे, आप कैसे निकालेंगे कि मुझे यहाँ से यहाँ तक सुनना है, यहाँ से यहाँ तक नहीं सुनना है। अब एक इंस्टीट्यूशन है, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है ऑनलाइन के फील्ड में, ठीक है, तो उसके टीचर 1 घंटे की क्लास लेते हैं, तो उसमें से आधे घंटे से 45-40 मिनट तक वो केवल अपना ऐड करते हैं, अच्छा, या फिर इधर उधर की बातचीत करते हैं, 20 मिनट की पढ़ाई होती है, लेकिन बच्चा 1 घंटा एंगेज रहता है, बच्चा 1 घंटे एंगेज रहता है। उसके बाद से तो क्या हुआ, आपने 1 घंटे पढ़ाई किया, 20 मिनट पढ़ाई किया, आप ये देखिए जी, आपकी पढ़ाई का समय कितने देर रहा। अगर आप आधे घंटे क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं तो आधे घंटे आपने अपना समय दिया, तो आप ये देखिए कि उस आधे घंटे के समय में आपके बॉडी के ऊपर उसका क्या क्या इम्पैक्ट हुआ और आपने गेन कितना किया, तो क्वालिटेटिव गेन आपका कितना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जी। तो ये कहना यही है कि आप ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज करें, बट चूज वाइजली, मतलब स्मार्टली, स्मार्टली। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि ऑनलाइन रिसोर्सेज में अगर आपके पास बेसिक्स नहीं है तो कई बार ऑनलाइन रिसोर्सेज आपके लिए एक ऐसा ये कहूँ कि खतरा हो सकता है, हाँ, जिसके, या एक ऐसा वेब हो सकता है जिससे आप कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा है, आपने 3 लोगों की वीडियो देखी, हो सकता है कि 3 लोग अलग अलग चीज़ों को आपके टीचिंग में ही, 3 लोगों की आपने वीडियो देखी, अब आपने किसी की वीडियो देखी, उसने कह दिया कि जो आपका डिस्कशन मेथड है वो सबसे अच्छा मेथड है, ठीक है, आपने वीडियो स्टार्टिंग से देखा, या हो सकता है उसके पहले कभी उसने कुछ और डिस्कस किया हो टीच फैकल्टी ने, उसने उस वीडियो में कहा कि डिस्कशन मेथड सबसे अच्छा मेथड, आप दूसरे वीडियो पे गए, वहां पे लिखा हुआ है कि आपका जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है वो सबसे अच्छा मेथड है, आप तीसरे मेथड पे जा रहे हैं, तीसरे वीडियो पे जा रहे हैं, वो कह कि नहीं 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 सबसे अच्छा जो मेथड है वह कौन सा मेथड है, वह है ई टीचिंग का मेथड। चौथा वीडियो आपको यह कह सकता है कि जो सबसे अच्छा मेथड है वह आपको मिक्स्ड मेथड है, किसको सही मानेंगे आप, तो ये चारों के चारों अपने आप में सही है, चारों में से किसी ने गलत नहीं बोला है, लेकिन पूरी नहीं बात सुनी गई है जैसे ये, तो मतलब पूरा सुनना जरूरी है कि पूरा वीडियो में उसका क्या, किस रेलेवेंट में वो बात हो रही है, किस रिलेवेंस में बात आ रही है। जैसे अगर आप प्लस 2 तक की पढ़ाई कर रहे हैं तो डेमोन्स्ट्रेशन से बेहतर कुछ नहीं है जी, अगर आप हायर एजुकेशन में हैं तो जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें डिस्कशन से बेहतर कुछ नहीं है जी,
अगर आप मॉडर्न एजुकेशन की बात करें तो जहां भी आपके पास ई टीचिंग है, जो मॉडर्न ई टीचिंग है, पहले की ई टीचिंग जो थी वह काफी हद तक मतलब बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं थी, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर, क्योंकि उसके अपने कुछ लिमिटेशंस थे, लेकिन अब वो लिमिटेशंस नहीं है। जी तो अगर वो लाइव है, अगर टू वे इंटरेक्शन हो रहा है, तो ई टीचिंग बहुत अच्छा मेथड है, क्योंकि उसके द्वारा आप गांव में बैठ के दिल्ली या बॉम्बे किसी टीचर से बात कर सकते। एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, शायद आप में से बच्चों को, अधिकांश बच्चों को नहीं पता होगा। आईआईटी बॉम्बे का नाम शायद आप सबने सुना होगा। आईआईटी बॉम्बे ने एक कोर्स स्टार्ट किया, कोर्स ना कहीं एक सेशन स्टार्ट किया है। उस सेशन में कहीं भी पूरे देश में बैठा हुआ कहीं भी कोई भी बच्चा कुछ खास इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के, जो बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे के जो फैकल्टीज हैं उनके साथ कम्युनिकेट कर सकता है, उनके सामने अपने क्वेश्चन को रख सकता है, उनसे अपने क्वेश्चन के आंसर को प्राप्त कर सकता, उनके सेशन को ज्वाइन कर सकता है। यानी आप बैठे हुए हैं, मान लीजिए बिहार के किसी गांव में बैठे हुए हैं, आप मान लीजिए मणिपुर या मिजोरम में कहीं बैठे हुए हैं, आप मान लीजिए आप कहीं तमिलनाडु में बैठे हुए हैं, आप उड़ीसा में बैठे हुए हैं, बंगाल में बैठे हुए हैं, आपके पास ये संभव नहीं है कि आप वहां जा सकें, लेकिन आपके पास 4G फोन है, आपका स्मार्टफोन है, तो आप अपने गांव में बैठ कर उन फैकल्टीज का लाभ ले सकते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कौन सा रिसोर्स आपके लिए कितना यूजफुल है। जी, मतलब राइट रिसोर्स को चूज करना बहुत जरूरी है, वरना वेस्टेज ऑफ टाइम हो सकता है। बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम इंटरनेट पे बहुत अधिक है। दूसरा क्या होता है, अक्सर हम लोग रील देख के सेलेक्ट करते हैं टीचर, तो रील देख के टीचर सेलेक्ट मत करो भाई, ठीक है, क्योंकि रील जो होता है वह पॉपुलर होने के लिए होता है, वह व्यूज बढ़ाने के लिए होता है, वो फैक्ट बताने के लिए नहीं होता है, सही सही ठीक बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि जी। अगर आप कंटेंट का एक हिस्सा किसी ने उठा के दिखा दिया 1 मिनट का, फिर आपने उसका पूरा वीडियो देखा और आपने पहले से उस चीज की पढ़ाई नहीं की है ना, तो आपको तो ये लगेगा कि वो पर्सन बिल्कुल ठीक पढ़ा रहा है, आपको ये लगेगा वो पर्सन बिल्कुल ठीक पढ़ा रहा है, लेकिन क्या वास्तव में ठीक पढ़ा रहा है। एक एग्जाम्पल और देता हूँ आपको, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर भी नहीं, उस 2021 2021 की बात है। मेरा एक स्टूडेंट था, उसने मुझे एक वीडियो भेजा, सर ये वीडियो देखिए, ये बहुत अच्छी फैकल्टी है, इनका वीडियो है, और मतलब मुझे इनका पढ़ा हुआ बहुत अच्छा समझ में आता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, देख लेता हूँ मैं। मैंने देखना शुरू किया, तो मैंने पूछा कि ये बताओ वीडियो किस चीज़ का है। उसने कहा सर हायर एजुकेशन का है, सर यूनिट 10 का है, यूनिट 10 में स्पेसिफिक कौन सा टॉपिक, लिंक तो तुम्हारे पास आया होगा, बताओ कौन सा टॉपिक है, सर हायर एजुकेशन। इन्होंने यहाँ पे हायर एजुकेशन को डिस्कस किया, हायर एजुकेशन क्वेश्चन डिस्कस किए। मैंने कहा देखो एक लगभग 50-55 मिनट का वीडियो, 1 घंटे का वीडियो है ना। हाँ सर। 1 घंटे में कितने क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं, सर 15, और सर 15 क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं, बहुत अच्छी तरह समझ में आया है। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करो, 15 क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं, अब 15 क्वेश्चन में लगभग 15 10 10 कमिटीज का नाम है, अब 10 कमिटी में से बताओ कि कितनी कमिटीज हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, कितनी कमिटी जो है उसका संबंध हायर एजुकेशन के डेवलपमेंट से है इंडिया, मुझे बताओ। क्यों सर ऐसा कैसे, ये चेक तो करो भाई, तुमने जो पढ़ा वो चेक करो कि उसमें हो सकता है वो सही पढ़ा रही हूँ, लेकिन क्या वो तुम्हारे काम का है। तो उन 15 या 20 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन हायर एजुकेशन का नहीं था, अच्छा, और उनकी लाइव क्लास में 2.5 लाख बच्चे थे। 2.5 लाख बच्चे, अभी सच उस वीडियो का व्यू लगभग 1 करोड़ के आसपास का है, मतलब 80 लाख के आसपास, 90 लाख के आसपास उस वीडियो का व्यू होगा। तो मतलब ये है कि जब सेलेक्ट करें रिसोर्सेज का तो व्यूज पे ना जाएं, और जो एक रील है जो 15 सेकंड में बता रहे हैं उस पे ना जाए, व्यूज से कुछ नहीं होता। व्यूज जो है एक जरूरी नहीं कि ऑर्गेनिक हो, वो एडवर्टाइज नहीं करके और भी। ऑर्गेनिक है, नहीं ऑर्गेनिक व्यू है, मतलब उस फैकल्टी का जो व्यू है ऑर्गेनिक व्यू है, उसमें कहीं से भी कुछ नहीं है, लोग कहीं गड़बड़ नहीं है इन्फ्लुएंस ना। हो के देख रहे हैं, मतलब उसको फैक्ट पे नहीं जा रहे हैं, हाँ फैक्ट क्या बताया जा रहा है। हाँ क्योंकि आपको उसका फैक्ट नहीं पता है, जी, तो सर ये आप और आप उससे बता फिर रहे जब हैं उस बच्चे ने चेक किया, उस बच्चे ने जब उसे चेक किया तो उसके बाद से 3-4 दिन, उसको 4-5 दिन लग गए क्वेश्चन को, 5-7 दिन बाद फिर उसने फोन किया सर एक बार मिलना है आपसे। मैंने जी। कहा ठीक है मिल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर मैं क्या करूं, मैंने तो वहाँ फीस जमा कर दी है। मैंने कहा देखो कुछ नहीं हो सकता, तुम वहाँ पढ़ाई करो, बाकी मुझसे जो हेल्प होगा मैं तुम्हें कर दूंगा। तो दैट इज अनदर थिंग, लेकिन ये चीज है कि आप जो कुछ भी पढ़ने जा रहे हैं, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, अगर आप कोई भी ऑनलाइन रिसोर्स चेक कर रहे हैं, तो जैसे मान लो कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई डिटेल है, कोई भी चीज़ है, तो एक बार
क्रॉस चेक जरूर करने की कोशिश कीजिए बाकी रिलेवेंट सोर्सेज के द्वारा। अगर आपको सोर्सेज पता हैं तो आप उन सोर्सेज के द्वारा पता करने की कोशिश कीजिए, बाकी शायद अपना ब्लॉग भी है, उस ब्लॉग पे भी कुछ चीज़ें हम लोग डालेंगे, आप वहाँ से भी कुछ चीज़ें लेके देख सकते हैं जी। ठीक है, तो और जो बेसिक जो बुक्स हैं उसको आप फॉलो कर कीजिए, ये मेरी राय है जी। तो बाकी मानना तो स्टिल्स की बात है बिल्कुल, और ये सिर्फ वीडियो ही अंत नहीं है, और वीडियो मतलब तैयारी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, सर के ब्लॉग्स होंगे, स्टडी मटेरियल जॉन.com एक वेबसाइट है उस पर भी पब्लिश होंगे, और भी जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जो कहते हैं ऑथेंटिक रिसोर्सेज, उस पर पब्लिकेशन होंगे, तो अपडेट हम लोग आप लोगों को देते रहेंगे। तो आप लोग आप चेक करते रहिए कि ऑथेंटिक जो रिसोर्स है उसको चूज करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, एक चीज मैं ऐड कर दूं यहाँ पे, अक्सर जो बच्चे वीडियो देखते हैं ना कॉपी पेन लेके नहीं बैठते हैं जी, तो आप जो कुछ भी सुनते हैं, जो कुछ भी आप सुनते हैं वह चीजें अगले दिन 50% रह जाती है, उसके अगले दिन केवल 50% रह, अगर रिविजन नहीं किया तो उसके अगले दिन उसका 50%, 4 दिन में वो केवल 6% बचती है। तो आपने सुना तो 100%, लेकिन मिला कितना आपको 6%, क्यों? क्योंकि आपने रिविजन नहीं किया, आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे तो आपने उसके नोट्स भी तैयार नहीं किया। अगर आपको दोबारा कुछ रिकॉल करना है तो आपको वापस पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, सिर्फ नोट्स बनाने की आदत डालिए, नोट्स जब आप बनाएंगे ना फिर आपको दोबारा उस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, आप नोट से रिकॉल कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिए। बहुत अच्छे टिप्स दे रहे हैं सर आप, और इसी से रिलेटेड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेक्शन जो आता है कंप्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, तो उसमें जैसे शुरू में हमने डिस्कस किया कि आपने बताया कि टाइम टेकिंग हो जाता है, तो लास्ट में अटेम्प्ट करें, तो लास्ट में भी अटेम्प्ट करें तो क्या उसको कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी है अटेम्प्ट करने का, कैसे पढ़ें, कैसे आंसर करें कम टाइम में, किन चीज़ों का उसमें ध्यान रखना चाहिए कंप्रिहेंशन में? बिल्कुल, देखिए पहले क्या था कि पहले बड़े पैसेज आते थे, ठीक है, एक ही पैसेज के ऊपर 5 क्वेश्चन है, बड़े पैसेज है, तो इसमें के बच्चे क्या करते थे, जो पहले की स्ट्रेटजी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बच्चों को अब उस स्ट्रेटजी को चेंज करना चाहिए। पहले क्या करते थे, पहले क्वेश्चन पढ़ते थे, फिर जब क्वेश्चन पढ़ते थे तो क्वेश्चन का जो की वर्ड है उसे आइडेंटिफाई करते थे, और उसके बेसिस फिर जब पैसेज पढ़ते थे तो वहां से 3 या 4 क्वेश्चन के आंसर आपको इमीडिएटली मिल जाते थे, आप आराम से सॉल्व कर लेते थे। अब क्या है, छोटा पैसेज है, पैसेज के नीचे आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर पैसेज पढ़ो फिर क्वेश्चन पढ़ो, ज्यादा लंबा टाइम हो जाएगा। तो आप पहले पैसेज पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, ज्यादा चांस है कि आप एक बार में या दो बार में उसको कर पाएंगे। अब वो आपके, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि थोड़ा सा आप पढ़ने की आदत लगाइए, टेक्स्ट बुक को, न्यूज पेपर्स को, कहानी किताबों को पढ़ने की आदत लगाइए, बहुत फायदा हो, ठीक है, जितना पढ़ेंगे आप अपनी रीडिंग स्पीड जितनी अच्छी होगी उससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, रीडिंग स्पीड जितनी कम रहेगी उससे आपको उतना ज्यादा नुकसान है। और दूसरा कॉम्प्रिहेंशन एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिए, कॉम्प्रिहेंशन आप जब भी पैसेज पढ़ते हैं ना तो पैसेज के अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं, अब सारे कीवर्ड्स तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो कीवर्ड्स हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अक्सर कॉम्प्रिहेंशन में कोई ना कोई आर्गुमेंट गिवन होता है। आर्गुमेंट का मतलब सामान्य तौर पे आर्गुमेंट, आम बोलचाल में आर्गुमेंट जो होता है नेगेटिव टर्म हो जाता है, आर्गुमेंट का मतलब होता है कि अराइविंग एट ए कंक्लूजन विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स, इस पूरे प्रोसेस को आर्गुमेंट कहा जाता है, किसी भी तथ्य के आधार पे किसी निर्णय पे पहुंचना आर्गुमेंट कहलाता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कहां पे देयरफॉर वर्ड दिया हुआ है, देयरफॉर का मतलब क्या हो गया, कंक्लूजन, यह कंक्लूजन है आपको, सो क्या हो गया, कंक्लूजन हो गया। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं वो पैसेज में कहां है, यह देखो ढूंढो, और नॉर्मली पैसेज का जो थीम होता है वो आपको पहले 1-2 लाइन से मिल जाता है, तो अगर यह 2-3 चीज के ऊपर आप फोकस करेंगे ना तो आप आराम से देखेंगे। कई बार क्या होता है पैसेज में कंक्लूजन पहले दिया होता है और उसका सपोर्टिव जो स्टेटमेंट होता है जैसे प्रिमाइज हम कहते हैं वो बाद में दिया होता है, तो बिकॉज ऑफ, तो जहां बिकॉज ऑफ आ गया वो चीज क्या हो गई, आपका एविडेंस हो गया। तो आप ध्यान दीजिए कि कहां कौन सा वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, और स्पेशली नेगेटिव वर्ड के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए, बहुत फायदा करेगा आपको क्वेश्चन में भी और पैसेज में भी। नेगेटिव वर्ड का मतलब क्या हुआ, नेवर, नो, नॉट, नन, अगर इस तरह के वर्ड्स है ना तो फिर उसको दोबारा पढ़िए, हो सकता है कि आप वहां कुछ मिस कर रहे हो,
बहुत ही यूनिक टिप्स है, बहुत यूनिक टिप्स हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने भी ये चीज़ों को नहीं सुना था। मैंने भी एग्जाम दिए हैं नेट के, और मैंने भी दो दो नेट क्लियर किया कंप्यूटर साइंस में, साइकोलॉजी में, बट इस टाइप से जो आप बता रहे हैं टिप्स, ये नहीं सुना था। तो ये मुझे लगता है ऐसा मेरे लिए कभी नया नहीं है, मेरे लिए नया है, और बाकी जो देख रहे हैं उनमें से कई लोगों के लिए नया होगा। और इसी से सर, जैसे तैयारी करते हैं हम, जैसे नेट की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो 6 महीने, 8 महीने, साल भर भी तैयारी करते हैं। सारा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम रिवीजन, किसी ने पूछा है कि रिवीजन जब हम करें तो इफेक्टिव रिवीजन टेक्निक्स क्या होंगे, कैसे रिवीजन करें पेपर 1 की? देखिए, दो चीजें हैं। आप तैयारी किसके माध्यम से कर रहे हैं, सेल्फ तैयारी कर रहे हैं या किसी कोचिंग या किसी टीचर के माध्यम से कर रहे हैं, ये बहुत, दोनों कंडीशन में रिवीजन का स्ट्रेटजी आपका अलग अलग हो जाएगा। जी ठीक है, जब आप किसी टीचर या इंस्टीट्यूशन के माध्यम से रिवीजन कर रहे हैं तो आप घर गए तो पढ़ के जाओ तो तुरंत दोबारा पढ़ने मत बैठो, थोड़ा सा रिलैक्स हो। ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, गाना सुनते हो गाना सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सप्ताह में या 10 दिन 15 दिन में एक मूवी देखने का प्लान करो, आउटिंग पे जाओ, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करना। देखो, रिवीजन या पढ़ाई, जब तक आपका माइंड रिलैक्स वे में नहीं है तब तक आप गेन नहीं कर सकते चीज़ों को, तो चीज़ों को गेन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक तो माइंड को रिलैक्स कीजिए, और रिलैक्स करने के बाद से आपको दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करनी, जब आप घर जाते हैं तो घर में जाइए, चाय वगैरह पीना है चाय पीजिए, पानी पीना है पानी पीजिए, 5-10 मिनट सोचिए कि क्लास में आपने क्या किया, टीचर ने क्या क्या बताया, उसको उसी टाइम पे रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जब आप उसी टाइम पे रिकॉल करते हैं तो फिर वो चीजें आपकी मेमोरी में एक सर्टेन वे के द्वारा इस्टेब्लिश होती हैं, और फिर उसको रिकॉल करना फ्यूचर में आपके लिए बहुत आसान होता है। अक्सर क्या होता है, हम घर जाते हैं, कॉपी किताब को उठा के साइड में रखा, घर के कामों में लग गया, कुछ और काम में लग गया। ठीक है, अच्छा इसको कल कर लेंगे, वो कल कभी नहीं आता है। पढ़ के जाते हैं, वो कल कभी नहीं, जब कल पे कोई चीज आती है ना तो कल कभी नहीं आता है। आज वाला कल होगा, कल वाला परसों होगा, परसों वाला चौथे रोज होगा, बीच में कहीं कोई कहीं जाना हो, कहीं विवाह आ गया, तो फिर वो 4-5 दिन का कल तैयार हो जाता है, तो कल कभी नहीं आता है। तो सेम डे जी रिवीजन सेम डे पे कीजिए। ठीक है, बिल्कुल। और नोट्स बनाना सीखिए, नोट्स बनाइए, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स आपको रिविजन में बहुत हेल्प करते हैं। जी एग्जाम से पहले अगर आप रिवीजन नोट्स नहीं, से। बिल्कुल एग्जाम फाइनल रिविजन के टाइम पे नोट्स बहुत हेल्प करते हैं, तो नोट्स बनाना सीखिए, नोट्स बना के रखिए, बहुत जरूरी होता है। और पॉइंटर्स बनाइए, आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो पॉइंटर्स बनाइए, डिटेल नोट्स सब्जेक्टिव मत बनाइए, जैसे आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए नोट्स बनाते हैं वैसे मत बनाइए, पॉइंट वाइज बनाइए, क्योंकि आपका जो एग्जाम है ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, इतना ध्यान रखिए। ठीक है, तो बीच में सर हमने डिस्कशन किया कि एजुकेशन रिलेटेड न्यूज़ भी जो होते हैं वो हमारे करंट अफेयर्स में आते हैं, तो जी एजुकेशन बिल्कुल, रिलेटेड न्यूज़ के लिए कैसे कुछ अपडेट कैसे मतलब मिलता रहेगा? क्या ऑनलाइन ही मिलेगा या न्यूज़पेपर को पढ़ें? तो क्या बेस्ट तरीका है कि एजुकेशन बेस्ड जो न्यूज़ आ रहे हैं एजुकेशन रिलेटेड, वो पेपर के पर्सपेक्टिव में उसे हम पढ़ें? देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपके 50 क्वेश्चन में मैक्सिमम 5 क्वेश्चन करंट के होंगे। ठीक है, जी तो कितना परसेंट हुआ, 10%। तो उस 10% के लिए आपको कितना टाइम डिवोट करना है और कैसे करना है, इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अब एजुकेशन से जो रिलेटेड न्यूज है उसका संबंध भी आपके एग्जाम में केवल हायर एजुकेशन से है, लोअर एजुकेशन से नहीं है, मतलब सेकेंडरी एजुकेशन से नहीं है, प्राइमरी एजुकेशन से नहीं है। ठीक है, तो प्राइमरी एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन की न्यूज से हमें कोई मतलब नहीं है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, एजुकेशन सेक्रेटरी कौन है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, एजुकेशन मिनिस्टर ने आज क्या कहा इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यूजीसी के चेयरमैन ने क्या कहा इससे मुझे मतलब है। ये देखिए, यूजीसी के चेयरमैन ने क्या कहा इससे मुझे मतलब है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे क्या आया इससे मुझे मतलब है, उसका जो हायर एजुकेशन का पोर्टल है उस पोर्टल पे क्या इससे मुझे मतलब है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप PIB को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अखबार पढ़ने का मन नहीं है, डेली न्यूज देखने का मन नहीं है और जरूरी भी नहीं है, तो आप PIB को सब्सक्राइब कीजिए, और PIB के दो तीन, PIB के माध्यम से, PIB का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का पार्ट है, सूचना प्रसारण मंत्रालय का, और इसका काम है जनता में इंफॉर्मेशन को डिसिमेट करना, यानी जनता में इंफॉर्मेशन को फैलाना। इसके लिए PIB पहले प्रिंट देती थी, अब जो है सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है उसका, तो आप PIB की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे उसे अपनी ID बनाइए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। आपके मेल पर डेली रात में 8 बजे, 8 से 9 के बीच में
आप जितनी मिनिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करेंगे उससे रिलेटेड न्यूज आ जाएंगे। जी तो जैसे आपने मान लीजिए आपने जल शक्ति मंत्रालय को सब्सक्राइब कर लिया, आपने MNRA मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज को सब्सक्राइब कर लिया, आपने एजुकेशन मिनिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो पहले MHRD कहा जाता था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कहा जाता, तो शिक्षा मंत्रालय को सब्सक्राइब कर लिया। तो ये 3-4 ऐसे मंत्रालय हैं, अगर आप इनको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका काम ऑलमोस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको ट्विटर वगैरह का अगर आप यूज करते हैं तो जो UGC के चेयरपर्सन है उनको ठीक है फॉलो कीजिए, बहुत सारे समाचार आपको वहाँ से मिलते रहेंगे, बहुत सारे अपडेट्स आपको वहाँ से मिलते रहेंगे। बहुत बहुत अच्छे है सर, ये तो टू द पॉइंट है ना, कि टाइम वेस्ट ना करते हुए राइट जगह पे राइट समय पहुंचे और राइट इन्फॉर्मेशन को लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर, रीजनिंग सेक्शन से पूछा है कि रीजनिंग सेक्शन के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, रीजनिंग के 2 यूनिट्स हैं हमारे पास जी, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग में कुछ बहुत बेसिक टॉपिक है, अगर आप उसको करके जाएंगे तो 5 में से 4 क्वेश्चन आप करके आ जाएंगे। एक टॉपिक है सीरीज, एक क्वेश्चन लगभग आना ही आना है मान के चलिए आप जी, परसेंटेज ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, इसके अलावा डायरेक्शन, डायरेक्शन के अलावा मेंसुरेशन से कई बार क्वेश्चन आता है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस से कई बार क्वेश्चन आते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे आजकल हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, बेसिक स्टैट्स मीन मीडियन मोड इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो रीजनिंग के 5 में से 4 क्वेश्चन आप कर लेंगे, आराम से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आती है। अक्सर होता क्या है कि हम लोग कई बार चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल जी, सुबोध जी आपसे एक छोटा सा प्रश्न है जी, आपने सूट पहना हुआ है ठीक है जी, मान लीजिए कि सूट आपने सिलवाया हो, पैंट शर्ट कोट आपने सिलवाया हो जी, शॉपकीपर के पास गए थे, शॉपकीपर ने आपको रेट क्या बोला था? 25 कैसे रेट क्या बोला था हाँ। लेकिन किस तरह से बोला था, रुपीज की बात नहीं कर रहा हूँ, रेट उसने कैसे बोला था जी याद करो आप? रेट उन्होंने बोला कि इसे मतलब 2 पीस या 3 पीस सिलवाना है, उस हिसाब से रेट अलग अलग होंगे। कपड़े का रेट क्या बोला था उन्होंने? कपड़े का रेट मीटर के पैसे बताने की जरूरत नहीं है, पर मीटर बोला था, पर मीटर हाँ। पर मीटर ठीक है। वही आपके घर में कर्टन लगे हुए हैं जी, आपके घर में चादर है या जो भी इस तरह की चीजें हैं, आपको क्या कहते हैं उसको, कारपेट है जी, उसे खरीदे जाते हैं, शॉपकीपर रेट क्या बोलता है? वो तो पर पीस हो गया, पर पीस ही नहीं बोलता है, पर फीट स्क्वायर बोलता है, परफेक्ट स्क्वायर, वो अलग अलग सिस्टम हाँ सही, अलग अलग सिस्टम है जी, छोटा पीस है तो पर पीस दे लेते हैं, अगर कपड़ा लेना है तो पर फीट स्क्वायर बोलते हैं, क्यों? कपड़ा वो भी कपड़ा है, ये भी कपड़ा है, ऐसा क्यों, इसका क्या कारण है? बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक चीज है, क्या कारण? कारण ये है कि जब हम पैंट शर्ट कपड़ा ले रहे हैं तो कपड़े का विड्थ फिक्स है, लेंथ वेरी कर रहा है, तो शॉपकीपर रेट क्या बोल रहे हैं आपको? मीटर, पर मीटर, और वहां पे विड्थ और लेंथ दोनों वेरी कर रहा है, तो शॉपकीपर क्या रेट बोल रहा है? पर मीटर स्क्वायर है, पर फीट स्क्वायर, तो बहुत बेसिक डिफरेंस है। तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि बेसिक चीज तो है लेकिन कभी हम इन चीजों के ऊपर फोकस नहीं करते। अगर आप अपनी डेली लाइफ की चीजों के ऊपर ही फोकस करेंगे ना तब भी बहुत सारे परसेंटेज वगैरह के जो क्वेश्चन है आप आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि परसेंटेज से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्योंकि DI का जो क्वेश्चन आता है उसमें परसेंटेज कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 क्वेश्चन का पास आसपास में परसेंटेज भी हमारे लिए इन्वॉल्व होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ध्यान में रखिएगा। सो ये तो बात हो गई मैथमेटिकल रीजनिंग की बात हो गई, तो इसके लिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि RS अग्रवाल को फॉलो कीजिए, डिटेल में कोशिश कीजिए, पहले पहले बेसिक मेथड कीजिए उसके बाद शॉर्टकट खोजिए। होता क्या है बच्चे अक्सर शुरू में शॉर्टकट खोजते हैं, अगर शुरू में आप शॉर्टकट खोजते हैं और कहीं क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया तो फिर क्या होगा, क्वेश्चन नहीं हो पाता है, कि हर क्वेश्चन का शॉर्टकट आप याद नहीं रख सकते। सब क्वेश्चन है आपके पास एक एक चैप्टर में, जैसे मैं अगर कराता हूँ तो मेरे पास एक एक चैप्टर में, अगर मैं टाइम एंड वर्क की बात करूँ तो टाइम एंड वर्क का मेरे पास लगभग 75 शॉर्टकट है। क्या किसी बच्चे के पास इतना टाइम है कि 75 शॉर्टकट याद कर सकता है? तो बेसिक, अगर बेसिक पता होगा तो आप सारे शॉर्टकट खुद से डिवाइस कर सकते हैं, यह इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और लॉजिकल रीजनिंग के लिए तो मैंने पहले ही डिस्कस किया था वीडियो में, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था इस चीज़ को कि लॉजिकल रीजनिंग में आपके पास बाकी एग्जाम में और आपने अंतर क्या है, कि हमारे यहाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, बाकी एग्जाम में थ्योरेटिकल नहीं एप्लीकेटिव क्वेश्चन आते हैं।
हमारे एक या दो एप्लीकेटिव होंगे, बाकी चार तीन या चार क्वेश्चन क्या होंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, तो थोड़ा सा उसके और। दूसरा, मैथमेटिकल रीजनिंग में दो क्वेश्चन आपको इंडियन लॉजिक से होगा ही होगा, उसकी तैयारी के लिए 11th क्लास के फिलोसफी से बेहतर ऑप्शन, न्याय दर्शन से बेहतर ऑप्शन आपके पास। जी, आपने डिटेल में बताया वीडियो के बीच में ही। हाँ बिल्कुल, उसके बीच में मैंने बताया था इन चीज़ों। तो सर ये क्वेश्चंस को मतलब जो हमने सोचा था टाइम, अब देखिए लगभग 1.5 घंटा हमारा सेशन ये चला है, आपने इतने डिटेल में बताया कि कोई एक बार ये वीडियो पूरी देख ले और अच्छे से देख ले बिल्कुल समझ के, और नोट्स जैसा आपने बताया नोट्स भी बना ले कि कौन से सेक्शन की तैयारी कैसे करनी है, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, तो डेफिनेटली मतलब कोई शक नहीं है कि वो पेपर वन क्लियर नहीं होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे एक फाइनल मैसेज रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि अपने आप पे बिलीफ रखो। आप देखो, आप जब नेट देने आ रहे हैं ना, तो आप पीजी कर चुके हैं या पीजी आपका क्वालिफाई होने वाला है जी। आपने 10+2+3+2 कितने साल हुए, लगभग आपने 17 साल पढ़ाई की जी, 17 ईयर्स, और 17 साल पढ़ के आप क्वालिफाई करके यहाँ पहुंचे। यू हैव द क्वालिटी, ठीक है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आपके अंदर क्वालिटी है, उसमें कोई डाउट नहीं। सो अपने ऊपर बिलीफ रखिए, स्ट्रेटजी बनाइए और अपने स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। दूसरे की स्ट्रेटजी कॉपी मत कीजिए, दूसरे की चीज़ों को कॉपी मत कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल जो होता है अपने आप में यूनिक होता है, यह समझिए। आपकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है यह समझिए, दूसरे कैसे कर रहे हैं इसके चक्कर में ना पड़े। अपनी स्ट्रेंथ तय कीजिए, अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपनी प्लान कीजिए, अपने प्लान में अगर आपको हेल्प लेनी है किसी से तो आप उससे हेल्प लीजिए, और अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करने की कोशिश कीजिए। आराम से अपने क्वालिफाइड GRF लेके आएंगे, इफ यू आर एलिजिबल यू कैन गेट द GRF, ठीक है। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए, बहुत जरूरी है, और एक मैं अक्सर क्लास में बोलता हूँ, यहाँ तो भी बोल देता हूँ, एक बहुत फेमस पर्सन है, लुइस टेरेंस लुइस, डांसर है, बहुत फेमस डांसर है। तो कुछ समय पहले DID के जज हुआ करते थे, डांस इंडिया डांस, ठीक है। तो वहाँ पे एक प्रतिभागी थे, राघव जुयाल जी, आज के रेट में सबसे अच्छे, मैंने भारत के सबसे अच्छे डांसर्स में से एक डांसर राघव जुयाल भी हैं। तो टेरेंस लुइस उनके मेंटर हुआ करते थे, पूरी कहानी बताऊंगा। तो टेरेंस लुइस ने एक बार उनसे कहा था, तो एपिसोड वो सीन मुझे अभी भी याद, 20 स्लो, स्लो इज स्मूथ, स्मूथ इज फास्ट। तो आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपका एक सिस्टम होता है कि आप पहले आराम से कीजिए, जब आप आराम से करेंगे तब आप चीज़ें अपने आप स्मूथली होने लगेंगी, जब स्मूथली चीज़ें होने लगेंगी, जब कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा, चीज़ें अपने आप होने शुरू हो जाएंगी, तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। स्टार्टिंग में अगर आप चाहेंगे कि आप 1 मिनट में 2 क्वेश्चन कर लो, पॉसिबल नहीं है, पहले आप 5 मिनट में 1 क्वेश्चन करेंगे, फिर 4 मिनट होगा, फिर 3 मिनट होगा, फिर 2 मिनट होगा, फिर 1 मिनट होगा, और फिर आधे मिनट में भी आप 1 क्वेश्चन कर लेंगे। अगर आप शुरू में ही चाहें कि स्टार्टिंग से मैं आधे मिनट में 1 क्वेश्चन कर लूँ, यह चीज़ एक्सेप्शनल बच्चों को छोड़ दिए, ये संभव नहीं होता है। जी। तो अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग काम कीजिए, आप आगे बढ़ेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, फिर हम मिलते हैं, देखते हैं फिर कब मिलते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल प्लान होगा, और व्यूअर्स का रिक्वेस्ट भी आने लगा है, और तो हम आगे भी सेशन आपके साथ प्लान करेंगे, जो क्वेश्चंस होगा उनको हम नोट डाउन करके आपके साथ सेशन जरूर प्लान करेंगे। तो आपने जो अभी लास्ट में जो मैसेज दिया कि आप किसी भी चीज़ को स्पीड में, शुरू में ही स्पीड ना पकड़ने कोशिश करें, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप ध्यान से करें। दूसरी बात, ये हर कोई यूनिक होता है, तो दूसरों की कॉपी ना करें, और आप अपनी जो स्ट्रेटेजी बना के तैयारी करें तो ज़रूर सफलता मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका जो समय है हम लोगों को मिला, और डिटेल में आपने सब कुछ शेयर किया, और एक एक जो टिप्स हैं आपके बहुत ही वैल्यूएबल हैं, आपका साइकोटेक। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और फिर उम्मीद करते हैं जल्दी ही फिर दोबारा मुलाकात होगी। जी बिल्कुल, और इसी के साथ सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अंत तक बने रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। आगे हम नए टॉपिक के साथ, नए विषय पर
नए वीडियो और नए एक्सपर्ट लेके आएंगे और आप लोगों के सामने डिस्कशन को रखेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।